Hello everyone. So guys, we are playing Master League and आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप मास्टर लीग में आप कुछ रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। जब मैंने मास्टर लीग खेलना शुरू किया था अभी कुछ दिन पहले, तो मेरे पास कोई पोकेमोन ही नहीं था। मेरे जितने ही पोकेमोन थे उनकी सीपी बहुत कम थी, और एक आध पोकेमोन थे जिनकी सीपी 2700 तक थी, पर वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। सो गाइस, अब क्या होता है कि अभी मैंने खेलना शुरू किया है और मेरा लेवल अभी 31-32 पे जाने वाला है, तो अपने पास पोकेमोन ही नहीं है, और जो पोकेमोन है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे हैं, मैक्सिमम सीपी पे हैं, तो उस सीपी तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब आप मास्टर लीग में देखेंगे जो भी पोकेमोन आ रहा है वो 3000, 4000, 2800 सब बहुत ज़्यादा सीपी पे आ रहे हैं, और ये लीग मतलब मास्टर लीग है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसमें, आपके पास जो बेस्ट है वो लेके आ जाओ। तो ऐसे में आप क्या करेंगे वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखते हैं तो आप कोशिश करें कि मतलब थोड़ा देखें, 50% तक देखें, उससे क्या मेरे को हेल्प मिलेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, ट्रिक ये है, पहली ट्रिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कुछ मैच खेलें, आप ऑब्ज़र्व करें कि हो क्या रहा है मैच में, आप देखें कि आपके पोकेमोन किस पोकेमोन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहे हैं, आप उस चीज़ पर वर्क करें, और आप ऐसा कोई पोकेमोन देखें जो कि मतलब उस पोकेमोन के लिए स्ट्रांग है। सो गाइस, अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपने मास्टर लीग खेली होगी अभी, तो आपको ड्रैगनाइट बहुत मिला होगा, और ड्रैगनाइट इतना स्ट्रांग भी नहीं है, म्यूटू भी मिला होगा आपको, वो भी इतने स्ट्रांग नहीं है, और अब गिराट इतना थोड़ा कम मिल रहा है पर वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। सो गाइस, इनकी वीकनेस क्या है, इनकी वीकनेस है ड्रैगन। तो जैसे कि आपको हराना है, जैसे चल रहा है मेरे सामने रेकवाजा, तो रेकवाजा किससे हारेगा, ड्रैगन से। ये स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, इनकी मतलब मैक्सिमम पोकेमोन की कमी है ड्रैगन अटैक। तो मैंने आउटरेज भी मारा और ये पूरी हेल्थ चली गई इसकी। सो गाइस, अपनी जो आपके पास जो लिस्ट है उसमें आप एक पोकेमोन ऐसे रखें जो स्ट्रॉन्ग ड्रैगन अटैक मारता हो। पहली आपकी टिप यही है, आप अपने लिस्ट में एक ऐसा पोकेमोन रखें जो अच्छा खासा ड्रैगन अटैक मारता हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोकेमोन आपके पास ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और फाइटिंग वाला होना चाहिए। सो गाइस, मास्टर लीग में एक चीज़ और है, आपका एक पोकेमोन में ऐसी मतलब आपके जो तीन पोकेमोन है वो तीनों पोकेमोन ऐसे होने चाहिए जो कई अटैक्स को झेल भी सकें, और आपको पता भी होना चाहिए आपका पोकेमोन क्या क्या झेल सकता है। आप उन्हीं पोकेमोन को ले जिनके बारे में नॉलेज है, क्योंकि जैसे आपके सामने वाटर टाइप पोकेमोन आ गया तो आपको अपना पोकेमोन स्विच करके एक ऐसे पोकेमोन में स्विच करना है, वो तुरंत करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सपोज़ आपके सामने आर्सनाइन आ गया जो कि फायर टाइप पोकेमोन है, पर उसके अटैक फायर वाले नहीं है, और आपने गलती से स्विच कर दिया, और आपने किसी ऐसे पोकेमोन में स्विच कर दिया जिसकी कमज़ोरी हो डार्क अटैक्स, तो आपका स्विच किया हुआ वो आप पे उल्टा पड़ जाएगा। सो गाइस, आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपको कब स्विच करना है। तो पहली टिप आपकी ये थी कि आपको एक ड्रैगन अटैक वाला पोकेमोन होना चाहिए। सो ये ड्रैगनाइट है मेरे सामने और हम इस पर ड्रैगन अटैक करेंगे, और लेंडोरस को हमने चूज सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि सामने ड्रैगनाइट था। तो आप देखेंगे आउटरेज की पावर बहुत ज़्यादा है इस पर, तो अभी इसके पास दो शील्ड है, तो इसने एक शील्ड यूज़ कर दी है। मास्टर लीग चल रही है, सो मास्टर लीग में लोग के पास और भी अच्छे पोकेमोन होते हैं, तो वो उन पोकेमोन के लिए कुछ शील्ड बचा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं ना कि सामने वाले ने क्या छुपा रखा है। सो गाइस, ये भी अपनी एक शील्ड बचाएगा और ये खाएगा आउटरेज का झटका। तो हमारी पहली टिप वो काम कर रही है, आपको उस पर काम भी करना है, आपको एक ऐसा पोकेमोन ढूंढना है। लेंडोरियस को पकड़ना ईजी है, इन दोनों आप लेंडोरियस को पकड़ लें, नहीं तो आपके पास लेंडोरियस पक्का होगा, उसको पावर अप करें, उसका जो ड्रैगन अटैक है उसको आप आगे लेके आएँ, चार्ज टीएम से आप उसको
अगर आपके पास ड्रैगन अटैक नहीं तो चार्ज टीम का यूज़ करके उसका ड्रैगन अटैक ऊपर लाएं। दूसरी टिप आपकी ये थी कि आपको अपने पोकेमोन के बारे में पता होना चाहिए, जो आप 3 पोकेमोन ले रहे हैं उन पर वर्क करें, 1-2 मैच खेलें, हारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर उन पर वर्क करें। उसके बाद आपकी जो तीसरी टिप है, जो कि मेन टिप है, उस टिप को बताने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि वो टिप आप जब भी यूज़ करेंगे जब आपका इस गेम में कुछ इन फाइट में कुछ मोटिव हो। अगर आपका कम्पिटिटिव मोटिव है, अगर आपको मतलब आपकी रैंक बढ़ानी है, रैंक मतलब ये वाली रैंक गो बैटल वाली, अगर ये रैंक बढ़ानी है तो वो टिप आपके लिए नहीं है। कम्पिटिटिव के लिए खेलना है तो वो टिप आपके लिए नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक सिर्फ 5 में से 2 मैच जीत सकते हो, इस ट्रिक से 3 भी जीत सकते हो, पर आपको जीतने कितने जब तक आपको रिवॉर्ड ना मिले। सो गाइज ये ट्रिक ये है, देखिए ये वाले जो मैं मैच खेल रहा हूँ इसमें मैंने इनके दोनों पोकेमोन मार दिए, पर इसमें मैंने गलती ये कर दी कि मैंने फायर को, जो फायर पोकेमोन्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा, और लास्ट में वो बंदा आ गया जो कि फायर अटैक करने वाला था, तो ये अब मेरी पूरी टीम की धज्जियाँ उड़ा देगा। सो गाइस तीसरी टिप ये है कि आप को अपनी रैंक गिरानी है। आप किसी भी रैंक में हो, आप वहाँ जीत नहीं पा रहे, उसका मतलब अभी आप उस रैंक के लायक नहीं है। आप रैंक गिराइए, थोड़ा नीचे आइए और नीचे। आप पहले दो मैच मतलब पहली 10 बैटल्स, पहले 10 बैटल्स में से आप 8 मैच हारेंगे। कुछ भी करके आपको 8 मैच हारने ही पड़ेंगे, आप उनको हारिए। उसके बाद जो 5 मैच है उसमें सिर्फ आप 2 जीतेंगे और 3 हारेंगे। उसके बाद आपके पास 10 बैटल बची हैं, उन 10 बैटल में आपको 5 के 5 मैच जीतने हैं, 10 के 10 मैच जीतने हैं, और अगर आपको अच्छा करना है तो आपको 10 नहीं 8 जीतने हैं। आपको टोटल पूरे दिन में कितने मैच जीतने हैं फिर? 8 8 3 12 12 2 14, तो आपको 13 मैच जीतने हैं आपको टोटल। ये आपका एटलीस्ट 13 है, 13 आपको किसी भी हाल में जीतना ही है। इससे आपकी क्या होगी, आपकी रैंक एक लेवल में घूमेगी। आप जो 2 मैच बहुत गंदे हारे हैं, जो आप पहले 10 मैच बहुत गंदे हारे हैं जिसमें 2 मैच आप जीतेंगे, क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा है कि जब तक आप एक मैच नहीं जीतेंगे तब तक वो 5 वाला फॉर्मेट ख़त्म नहीं होगा। सो गाइस ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपके गेम में आएंगे मास्टर लीग में, और आते ही वो एग्जिट कर देंगे। उनका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि जिस दिन भी कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन लॉन्च हो उस दिन वो जीतें और उस पोकेमोन को पकड़ लें। कुछ दिन वेट कीजिए, आपके पास खुद ही पोकेमोन्स हो जाएंगे और आप अच्छे लेवल पे खेलेंगे। लेवल पुश करें, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप अपने लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, वो वीडियो देखें आप। उसके बाद आपका जब लेवल बढ़ेगा तो आपको वैसे पोकेमोन मिलेंगे। दूसरी बात, आपको अभी एग हैचिंग चल रही है उसका पूरा यूज़ करें। आप अपनी छत पे घूमें, घर में घूमें, और 1-1 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस कवर करना है, जो कि बहुत इजीली है। आप अपने गैराज में घूमें, घर के बाहर दूध लेने चले जाएं, आप इन चीज़ों में उनको आप हैच कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छे पोकेमोन मिलेंगे। पोकेमोन नहीं तो आपकी एक्सपी तो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप इंसेंस का यूज़ करें, इंसेंस जो गैस होती है उससे आपके पास 1 घंटे तक लगातार पोकेमोन आते हैं। आप लकी एग का यूज़ करें, आजकल लकी एग 1 घंटे के लिए चल रहा है, और आपको मैंने एक्सपी बढ़ाने की एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को प्लीज़ देखिए, और सच में वो आपके बहुत हेल्पफुल आएगी। और उस वीडियो में मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई है जिस वेबसाइट से भी आपको बहुत काम मिलेगा। सो गाइज़ ये कुछ टिप्स थी जिसमें आप मास्टर लीग में आप रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, और मेन आपका अभी रिवॉर्ड्स जीतना ही मोटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी गेम खेलना शुरू किया तो जो लोग आपके सामने खड़े हैं यार ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। आप देखेंगे इनकी CP, आप देखेंगे तो इस CP पे जाने के लिए ये लेवल 40 के प्लेयर हैं, मास्टर्स ये लोग।
सो गाइस, मास्टर को रहने के लिए आपको मास्टर बनना पड़ेगा। तो ये हमारा फिफ्थ मैच है, हम लोग इसमें 3 मैच जीत चुके हैं। मैंने 2 मैच रिकॉर्ड नहीं किए थे, वीडियो बहुत लंबी हुई थी इसलिए नहीं किया था। थोड़ा ये अर्थक्वेक है जो कि रिस्की रहता है हमेशा मेरे लिए। सो गाइस, ये मैच हम जीत चुके हैं। ड्रैगन अटैक, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत पोकेमोन की कमज़ोरी है ये। ये देखिए, एक ड्रैगन अटैक आपको मैच जिता सकता है। सो गाइस, आपके पास कोवेलियन भी होगा, लैंडोरियस भी होगा, करिए पावर अप इनको, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, अब देखेंगे, मैं 4 मैच जीत चुका हूँ और हम अब लैंडोरियस को पकड़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको और भी अच्छी अच्छी टिप्स बताऊँगा मैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।